स्वागत है आपका एग्जाम मेनियक्स में। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अप्रेंटिस वैकेंसीज के बारे में। कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली है 2021 ईयर के लिए, और ये वैकेंसी 6100 है। तो ये बहुत ही अच्छा ओपनिंग है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वेट कर रहे थे ओपनिंग्स के लिए, उनके लिए गुड न्यूज़ है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये एग्जाम मेनियक्स हमारा जो चैनल है, इट इज फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब परस्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सब लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, चलते हैं इसके तरफ। इसका लास्ट डेट है 27 जुलाई 2021। तो आप लास्ट डे का वेट बिल्कुल मत कीजिए, और इमीडिएटली फॉर्म भर दीजिए ताकि लास्ट डेट पे आपको प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी सर्वर भी क्रैश हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, 6 तारीख को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन इसका, 6 जुलाई, और इसका लास्ट डेट 26 जुलाई 2021। और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी आपको दे दूं, इट इज बाय नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, इसके अंडर में आता है ये एनएपीएस। और स्किल इंडिया, आप सबको पता है स्किल इंडिया क्या है, कौशल भारत विकास योजना होता है। ओके, तो उसके अंतर्गत ये स्कीम निकाली गई है। राइट, तो अभी देखते हैं 6100 वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे, कितने लोगों को वैकेंसी निकला है, कौन से स्टेट में कितने लोग हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। टोटल 6100 है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हम देखें तो ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो कम है, यूपी, उत्तर प्रदेश में 875, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में दिखाया गया है। ओके, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है, इसमें कोई भी नंबर ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है इसमें लोकल लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनके सिलेक्शन में लोकल लैंग्वेज का भी एक टेस्ट है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है और आप रहते हो महाराष्ट्र में, आपको मराठी नहीं आती है, तो आपके लिए लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, क्यों? और अगर आपने महाराष्ट्र में रहते हो और आपकी पढ़ाई में, आपके 10th में आपने मराठी आपका एक लैंग्वेज था, तो आपको ये ऑप्शनल है ये टेस्ट। ओके, तो लोकल लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग इसमें एग्जाम में मतलब फॉर्म भर सकते हैं, इसका एज क्राइटेरिया है 20 साल से 28 साल। ओके, और अगर आप कास्ट में आते हो जैसे ST SC, तो आपको 5 साल और बढ़ जाएंगे, 28 का हो जाएगा 33, और OBC में हो तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। ओके, और पीपल विथ डिसेबिलिटीज PWD में थोड़ा है एक्सटेंशन, आप उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पूरा फॉर्म पढ़े बिना, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़े बिना आप फॉर्म ना भरिए, ताकि आपको कोई गलती आपसे ना हो जाए। ऑल राइट, चलो आगे देखते हैं क्या है। ओके, एज का देख लिया, अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्या होगा, इसमें आपको कोई भी एक डिग्री चाहिए आपके पास, तो 12th वाले लोगों के लिए ये नहीं है, डिग्री चाहिए। लेकिन अगर आप TY अपियरिंग है, आपने अभी अभी TY दिया है और आपका रिजल्ट्स आप वेट कर रहे हैं उसका, तो यू कैन स्टिल फिल द फॉर्म। ओके, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन किस तरह से होगा वो हमें देखना है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट, इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। ठीक है, और मार्क्स भी 100 का होगा, आपको मिलेगा 1 घंटा। 25 नंबर मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 नंबर मिलेंगे इंग्लिश के, 25 नंबर मिलेंगे मैथ्स, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ्स। ठीक है, और 25 नंबर मिलेंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर के। तो जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, उनके लिए तो ये बहुत मतलब आसान होगा, और जो लोग जो पहली बार बैंकिंग का जॉब या गवर्नमेंट जॉब के बारे में सुन रहे हैं, उनके लिए ये मतलब इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। तो जनरल अवेयरनेस मतलब GK वगैरह होता है, जनरल इंग्लिश मतलब आपको वर्बल होता है, जिसमें आपका 10th का जो इंग्लिश होता है एलिमेंट्री लेवल का वो होता है। मैथ्स आपने 10th तक किया है, ठीक है, वही मैथ्स होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं होता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग मतलब एक ट्रिकी मैथ्स होता है,
आपने मतलब अगर कोई कैंपस में एग्जाम दिया होगा या फिर आपने कोई स्कॉलरशिप एग्जाम दिया होगा तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चंस आपको देखने मिला होगा। ओके, तो काफी इजी होता है एग्जाम ये, थोड़ा सा तैयारी करना पड़ता है आपको। 1 मंथ की तैयारी या 2 मंथ्स की तैयारी आप कर लोगे प्रॉपरली अच्छे किसी मेंटोर की गाइडेंस में तो आपका निकल जाएगा ये। ऑलराइट, देखते हैं आगे क्या है। फाइनल सिलेक्शन, सबसे जरूरी बात, फाइनल सिलेक्शन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो मैंने अभी बताया, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके वाला, फिर आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको लोकल लैंग्वेज आपको आता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और थर्ड होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसा कोई रिगरस नहीं होता है, बस आपको देखते हैं कि फिजिकली फिट है या नहीं, कोई बीमारी है वही देखते हैं बस। मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, तो आपको दो चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, स्टाइपेंड की, बेनिफिट्स की। आपको हर महीने 15,000 मिलेगा, 15,000 बहुत ही अच्छी रकम है ये अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस को इतनी सैलरी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो, 15,000। ओके, 15,000 पर मंथ, नो अलाउंसेस। अगर आप ये प्रॉपरली पढ़ोगे नोटिफिकेशन आपको पता चलेगा सिर्फ 15,000 मिल रहे हैं आपको, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जब आप जूनियर क्लर्क का एग्जाम दोगे तो ये जो अप्रेंटिस जो है आपका जो स्कोर रहेगा उसमें उसका वेटेज होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। नाउ आप जब फॉर्म भरते हो तो उसमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसके बारे में ये इंटीमेशन, चार्जेस, फीस। तो कैटेगरी वालों के लिए तो मतलब नहीं है, जैसे ST, SC, पीपल विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये 300 रुपये चार्जेस है। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेबल है, आप जब भर देते हो तो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन, तो उसी के चार्जेस होते हैं ये। ओके, अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे जरूरी चीज। अप्लाई करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ओके, और अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये दूसरा वेबसाइट अप्रेंटिसशिप इंडिया, ये वेबसाइट है। फिर BFSISSC.com, फिर bank.SBI, करियर्स, या फिर SBI की वेबसाइट पर डायरेक्टली आप चले जाइए, SBI.co.in, करियर्स पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। या तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का भी लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। और आगे की नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। Every single day.